अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह सुबह घर से बाहर निकल चुके हैं और घर से बाहर निकलने के बाद ये सीन तो देख ही सकते हो। एकदम मौसम का हाल ऐसा हो रखा है ना कि ना धूप हो रही है और ना पूरी तरीके से धूप जा रही है। अभी बस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके आ रही है, एकदम धीरे धीरे। आज सुबह क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। आज सुबह 8 बजे करीब नींद टूटी तो फरहान ने टाइम देगा, वो देख रहे यार 8 बज गए। फिर बाहर खिड़की से बाहर देगा तो देख रहे हैं ना धूप निकली है ना कुछ, हर तरफ बस फॉग ही फॉग हो रखा है। तो इस तरीके से आज की सुबह की शुरुआत इस तरीके से हुई थी, आज के दिन की शुरुआत। एंड फिलहाल बाग में थोड़ा घूम रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करने बैठेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और सच कहूँ तो यार इस मौसम में ना छत में पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग होगा, लेकिन छत में मैं जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि धूप अभी आने लग चुका है और धूप में तो मैं बिल्कुल भी एक्सपोज होना चाहता नहीं हूँ। वैसे भी एक हफ्ते बाद से स्कूल खुल रहे हैं और फिर जब बॉडी में जब खेलेंगे या फिर ऐसे यूजुअल गेम्स चांसेस जब होंगे घंटे घंटे या फिर मिनट के मिनट धूप में ऐसे करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो पीछे का बाग का हाल ये है, वहाँ पे देखते हैं दादी जी ने क्या टोटका कर रखा है। अच्छा, कोई टोटका नहीं, ये एलोवेरा का पौधा है, पता नहीं किसने लगाया। लेकिन ये यार ये ऊपर का डिज़ाइन एकदम वो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की तरह लग रहा है। और साइड बाय साइड एक बैड न्यूज़, यहाँ पर एक कोकोनट का पौधा जो है मर चुका है, एकदम डेड, सूख चुका है पूरा। अब लगता नहीं ये रिस्टोर होगा या हो पाएगा, जो भी हो क्या कर सकते हैं। नहीं यार ये कोकोनट का पौधा नहीं है, वो जो होता है ना जैसे कि पान में डाल के खाते हैं, बंगाली में उसे सुपूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये उन सभी का पौधा है, ये एक एक तो अभी पेड़ होने लग चुके हैं, देखो ये भी साइड से थोड़ा फटी है। तो इसको अगर अभी निकाल के नहीं फेंका तो आगे जाके ये पूरे पेड़ को सुखा देगा। ओके, ये देखो काफ़ी सारे पौधों में तुम देख सकते हो, या फिर साइड बाई साइड ये जो सूख चुका है ना, इनको जो है अगर सही समय में निकाल के नहीं फेंका तो पेड़ का न्यूट्रिशन, ये जो पौधे का पूरा न्यूट्रिशन जो मतलब ग्लूकोज फ्लूकोज फलाना नीम का जो निकलता है ना, वो सब इनमें ही खर्च हो जाएगा और इन्हें ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड एज अ रिज़ल्ट ये सब सूख जाएंगे। सो टाइम रहते हमें इन सूखे सूखे डंडियों को काट के या छील के फेंकना पड़ेगा, काट के बेटर होगा। और आज ना मुझे एक काम करना है, वो काम है कि यही काफ़ी लंबा हो गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ बेल का भी इतना मतलब अच्छा खासा साइज़ का हो जाएगा। नहीं वो तो यार सोचा था कि समय के साथ साथ ये बढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस तरीके का होगा ये नहीं सोचा था, एकदम मतलब इंस्टेंटली। ये देखो इस जगह से इंस्टेंटली ग्रो हो चुका है, एकदम पत्ते डायरेक्ट ऊपर से शुरू हो रहे हैं। और ये वाला जो जगह है ना यहाँ पर, ये मुझे साफ करना है आज, बिकॉज इनकी वजह से इसका ग्रोथ तो हो रहा है, पेड़ का ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन फल नहीं हो रहा है ना, एंड इसका कॉज ये सब हो सकते हैं। तो ये थोड़ा आज साफ कर दूँगे। बाकी यार इस तरफ में देख सकते हो, ये हमारे घर का मतलब पूरा पूरा पिछवाड़ा है, वहाँ हमारा घर और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मतलब घास भी ज़्यादा कुछ होने रहे, अब इसका कॉज मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर होता यूँ है कि जहाँ पर इंसान या कुछ भी एनिमल चलते चलते फिरते नहीं है, वहाँ पर घास उस एकदम कतई वाला हो जाते हैं, एकदम जंगल जैसा ग्रीन कवर बन जाते हैं। लेकिन हमारे सामने वाले पार्ट में जहाँ पर हम यूजुअली चलते फिरते हैं, मम्मी लोग कपड़े वपड़े डालते हैं, वहाँ पर एकदम ग्रीन कवर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ही कोई आता है
दादी माँ के सिवाय यहाँ पर कोई भी नहीं आता लिटरली में। लेकिन फिर भी यहाँ पर घासों का नामो निशान तक नहीं है, बस ये छोटे छोटे कुछ पौधे हैं जिनको कि हम आसानी से उठा के फेंक सकते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम खेलें तो लिटरली में अच्छा खासा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगर 4x4 का हम खेलें मतलब ग्राउंड शॉट का, तो यहाँ पर ये हमारा बाउंड्री ठीक है, ये हमें संभाल लेगा, और सामने में मारेंगे तो ये संभाल लेगा, बाकी इस साइड में हम पूरा फील्डिंग दे सकते हैं ठीक है। अगर बात रही बैडमिंटन की, वो भी यहाँ पर इजीली हो सकता है, बस ये सूखे से चीज़ को इसको यहाँ से उठा के फेंकना पड़ेगा ठीक है। ये गड्ढा थोड़ा सा साइड से मिट्टी उट्टी डल के भर देंगे, बाकी और क्या खेल सकते हैं, पावर बॉल, फुटबॉल, उसके लिए और भी ज़्यादा बहुत कुछ साफ़ करना पड़ेगा ठीक है। तो एक दिन टाइम ढूंढ के ये सब कर देंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है यार, क्योंकि एक दो दिन अभी एक हफ्ते की छुट्टी है, इसमें अगर ये सब करने में लग गए, बस एक अगर एक हफ्ते में छुट्टी में ये सब अगर करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे ठीक है। 5 दिन बचे, फिर 5 दिन खेलेंगे, उसके बाद फिर से अगेन स्कूल, ये वो एंड एक हफ्ते के इंटरवल में 2 दिन की छुट्टियाँ मिल रही हैं, उन छुट्टियों में भी अगर यहाँ खेलने आ गए फिर तो पढ़ाई की हो गई। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पूरे पौधे को दिखा देता हूँ हाँ, और अभी इसके इस छोटे से फ्लावर को देखो, और मुझे कमेंट में बताओ कि ये कौन सा पौधा है और ये कौन से मतलब अच्छा एक हिंट देता हूँ, ये एक सब्ज़ी का पौधा है, और ये कौन सा सब्ज़ी का पौधा है, ये कौन सा सब्ज़ी का फ्लावर है, ये मुझे बताना कमेंट में ठीक है। ये पहले स्टेज में इस तरीके का रहता है और फिर ऐसा खिल जाता है ठीक है। मैं घर में घुसा तो देख रहा हूँ एकदम कतई वाली स्मेल आ रही है, तो स्मेल इस चीज़ की थी हाँ भाई, सब्ज़ी है। सिल्वर पैन एंड वाइट टी शर्ट, सॉक्स के लिए एकदम शॉर्ट सॉक्स ताकि इसके ऊपर और देखा ना जा सके ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे फिर इस पैंट के साथ एडजस्ट करने में वो मुश्किलात होती हैं। हमारे बाइसेप्स अगर ठीक होंगे तो ये स्ट्रैप्स एकदम अच्छी तरीके से फिट आ जाएंगे एंड इट्स लुक्स गुड। और अगर तुम्हें अपनी मेहनत की हुई बॉडी दिखानी है तो इस तरीके से अपने स्ट्रैप जो है उठा ले सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कुछ ट्राई मत करने जाना, नहीं तो फिर कुटाई होगी। बाल तुम्हारी मर्ज़ी में है, तुम चाहो तो सेट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे थोड़े शॉर्ट हेयर हैं तो इनको अभी सेट नहीं करूँगा, ऐसे ड्रॉप टी ठीक है, शरीफ शरीफ लग रहा है। आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर एंड वाइट में गोल्ड का कॉम्बिनेशन सभी को पता है हाउ इट लुक्स। एक्सेसरीज की बात करें, हम चेन, अंगूठियाँ ये सब कुछ ले सकते हो, मैं ज़्यादा गैंजन नहीं कर रहा। परफ्यूम तुम क्लॉथ के ऊपर कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बॉडी स्प्रे कपड़े पहनने से पहले याद से लगा लेना। तो मेरे इस तरीके से इतना सा रेडी हो जाने के बाद देखता हूँ कि ये अभी अभी नहा के आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो वाइट के साथ अगर ब्लैक भी पहनेंगे तो वो भी अच्छा खासा लगेगा, लेकिन आज अगर फुल वाइट एकदम लगा रहे हैं तो ऊपर जाके सबसे पहले वाइट शू लाते हैं। ये देखो यार इसकी हालत, ये बंद कर देते हैं, खावा का हमें धूल आएगा अंदर। ओ भाई अभी कहाँ पे ढूंढे, मिल गया। तो फाइनली दिस इज द लुक, यहाँ हमारी बाबू को देखो। ओ भाई टिकटॉक बना रही ठंडी के मौसम में यार, अभी कोई इवेंट अगर ना भी हो ना फिर भी देखो एकदम बाबू लोग कतई वाला रेडी हो रखे हैं। अरमान भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसका कॉम्बिनेशन कतई लगा यार इटली में, क्या लिखा है ऑथेंटिक, भाई साहब एकदम ऑथेंटिक वाला अरमान। जूता पहन ले जा, और इसे देखो मतलब अभी तक इंसान नहीं घुसा है। यहाँ पर फिजान भी रेडी हो चुका है और आके वहीं ढोंग लेके बैठ गया। अब मुझे नहीं पता ठीक है ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको लगा होगा। फिजान हम ना बाइक में जाके बैठेंगे और तुम दिखाना हाँ एकदम कैसा लग रहे हैं, यहाँ से दिखाना ठीक है। ये पकड़ो, हम जाके बैठ जाते, लग रहा है
करके रखा था, तो इसमें देखते हैं वो भाई। तो द फाइनल लुक इज दिस। फोन को इस तरीके से नीचे पर रखना पड़ा है और हॉरिजॉन्टली रखा है मैंने। तो ये है बहू। फक मारो तो आए जाइए जाइए। मोंडरा पूरा जा रहे हैं, बोले दीचे यहां खाया जावे नहीं क्या गुलचे भाई भाई। तो खाना पीना पूरा यहां पर चल रहा है, सभी पेल रहे हैं। देखो ये हमारे सामत काका। तो फाइनली सीट जो है मिल चुकी है और एकदम क्वाट्रा वाली सीट मिली है यहां पर। फिजान, ये फरहान, अरमान और मैं। और यहाँ पर ये बिल्ला जो है बिना इनविटेशन के आ गया है। ये देखो ये बिना इनविटेशन के आया है, ठीक है, इसको इनवाइट नहीं किया। अरे उसका दोस्त भी आ गया, दोनों बिना इनविटेशन के खाएंगे। ये देखो ये देखो, अरे पूरा खानदान आ गया, पूरा खानदान आ गया। वो देखो ये देखो ये बेटा, ये पापा, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। चिकन पकौड़ा ये सब एक के ऊपर एक हीरो से। ये देने आए हैं बिरयानी। तो ये मेरा प्लेट है, हो चुका है मेरा। ये फरहान का, इसका भी हो चुका है। एंड नाउ सी दिस, देख रहे हो फूड वेस्टिंग, देख रहे हो बंदे की बहुत ज्यादा दे दिया। छी 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 छी, खा नहीं पाओगे। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा हो सकती है, चटनी भी छोड़ दिया, गोश्त भी छोड़ दिया, आलू बहुत ज्यादा मिल गया, आलू आइसक्रीम का, ये आइसक्रीम का रैपर तक के छोड़ दिया, ये भी नहीं खाया। छी आइसक्रीम का रैपर। और इसके साथ तो क्या ही मतलब आशाएं क्या लगा सकते हैं यार। मांग मांग के सब ले रहे हैं लेकिन फिर पेलना नहीं है इनको। बाकी ये लास्ट। और यहाँ पे देखो हमारी चाइनीज मुंडी, डीजे चोटी वोटी बांध दी है यार। कुछ देख के बोलेगा नहीं कि इंडिया नहीं है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे डीजे। चोटी देखो एकदम सुंदर सा चोटी बांध दिया, चोटी माने वाह। कतई हेयर स्टाइल हो गया है, क्या लग रही है एकदम वाह, सुपर लग रही है, सुपर गाड़ी फॉर्चूनर लायो। अरे हाँ, जो है हमारे यहाँ पर जो फुटबॉल या पावर बॉल मैच हो रहा था वो देख के आके ही बस सो गया। हम तो देखने गए ही नहीं, और तो और हम वेडिंग पार्टी से वापस आके हम सो गए, एकदम शरीफ से बच्चे की तरह सो गए। और मगरिब के अजान के बाद मेरी नींद टूटी, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, नमाज वमाज कम्प्लीट करके और फिर अभी थोड़ी सी पढ़ाई करने बैठेंगे। तो अभी ज़्यादा लेट करके फ़ायदा कुछ है नहीं, तो बस आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड। कल मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। और हाँ, गुड नाइट भी।